बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा जहाँ भी रहें और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। जी ये देखें जी, आज जो हम बताने लगे हैं मैंगो डिज़र्ट, और ये वायरल जो डिज़र्ट चल रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी इसे ट्राई कर लेते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और जैसे कि आपको पता है कि अब तो जो आम हैं ये हर जगह पे आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे आम आए हुए हैं। अच्छा जी, ये रखे हुए मैंने मैंगो कट करके, और इन्हें मैंने रफली कट कर लिया हुआ है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये यहाँ पर मैंने रखा हुआ है फ्रूट केक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रूट केक को हमने कट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी पीसीस आपको चाहिए, यानी कि थोड़े पतले या मोटे, जैसे भी आप पसंद करते हैं, आप इन्हें कट कर लें। ये मैंने कट कर लिया, ठीक है जी। अब मैंगो को पहले मैं साइड पर करूंगी, एक सर्विंग बॉल लेंगे सबसे पहले हमें जो काम करना है, और एक एक करके ये पीसी जो हैं केक के, तो ये मैं इस तरीके से रखती जाऊंगी। जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फरीदाना कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें। एक तो ये हमारा मुर्गा बहुत बोलता है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने एक ले लिया है ग्राइंडर जग, जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंगो है हमने इनमें डाल देना, अब हमने इसमें डाल देने हैं 2 चम्मच जो हैं ये शुगर के। चीनी आप इसमें पिसी हुई भी डाल सकते हैं, ठीक है जी, ये आपकी अपनी मर्जी है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट जो है ये व्हिप्ड क्रीम का। अब हम इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसे कर लिया है ग्राइंड, ये देखें, ठीक है। अब हमने जो सर्विंग बॉल पहले से रेडी करके रखा हुआ है केक वाला, इसके ऊपर हम इसे पोर कर देंगे। अब हम इसको पोर कर देंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का ये डिज़र्ट रेडी होता है। चम्मच से कुछ अच्छे तरीके से हम सारा इसको कवर कर देंगे। आप इसकी जगह पे कोई सा बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे केक का इस्तेमाल किया है, और आप बिस्किट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिस्किट को आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है पहले, मैंने केक ऐसे ही रखा है सिंपल ही, आप इसे पीस सकते हैं। ये सारा जो हमने बनाया था अभी जग में डाल के, तो हमने इसे ग्राइंड किया था, ठीक है जी, क्रीम को और मैंगो को। तो अब हम ये क्यूब्स हैं मैंगो के, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे, इसको अच्छा सा डेकोर कर लेंगे हम। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे तो बहुत खुशी से खाएंगे, और देखें कितने इजी है। मैंने क्यूब्स भी इसके ऊपर लगा दिए, ठीक है। अब थोड़े से मैंने बादाम बारीक कट किए हैं, ये मैं लगा दूंगी, आपकी मर्जी है, आप कोई से भी नट्स जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैंगो डिज़र्ट जो है ये रेडी हो गया है, आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का ये बनता है, घर वाले और बच्चे तो खास तौर पे इसे पसंद करेंगे। जब भी आपका दिल करे तो बहुत इजी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह अपने साथ साथ अपने बड़ों का अपने बच्चों का खास ख्याल करें, मुझे रखें अगली वीडियो तक अपनी दुआओं में याद। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और खूब सारा आप इसे ठंडा करें, ठंडा करने के बाद आप इसे इंजॉय कीजिए।